नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश हांडू जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। राकेश जी, फिर एक बार जो है यहाँ दुखद घटना जो है वो देखने को मिली कश्मीर में। एक राजस्थान का रहने वाला जो 3 दिन पहले ही कश्मीर में कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर आया था, और आज उसको जो टारगेट किलिंग में एक व्यक्ति की ओर जो है वो मृत्यु हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप? गुलशन जी, बड़ा दुखद समाचार आया है सुबह से। मैं बड़ा दुखी हूँ कि एक राजस्थान का निवासी जो वहाँ पे बेचारा नौकरी कर रहा था, यहाँ पे बहुत ही सवालिया निशान है जो सरकार के वहाँ पे खोखले दावे हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, देश भर में जहाँ भी कहीं भी बैंक होता है, जहाँ पे कैश की डीलिंग होती है, वहाँ पे एक गनमैन खड़ा होता है बाहर। तो मेरा सबसे पहला सवाल प्रशासन से ये है, चलो हम मानते हैं कि तहसील ऑफिस में राहुल भट्ट को मारा गया, आपके जो दावे हैं वो पहले खोखले हैं। दूसरा, अभी कल रजनी को स्कूल के बाहर मारा गया, आपका ये दूसरा फेलियर दिखता है। तीसरा फेलियर ये है कि आपने जो कल ऑर्डर निकाला कि अब हमारे जो कश्मीरी पंडित वहाँ पे जो 19 दिन से वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, वो रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं, कल आपने एक और ऑर्डर निकाला है कि हम उनको अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रखेंगे। क्या गारंटी है कि एक बैंक मैनेजर को, आज जो वीडियो अभी सर्कुलेट हो रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो लड़का पहले बैंक के अंदर आता है, पूरा बैंक की रेकी करता है, उसके बाद में वापस जाता है, फिर वापस आके काउंटर से सीधा सामने उनको शूट करता है और आराम से निकल जाता है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बैंक में वो बैंक मैनेजर अकेले थे? वहाँ पे गार्ड कहाँ पे था? गनमैन क्यों नहीं था वहाँ पे? अगर मैं बैंक है वहाँ पे, भाई एक गाँव में है और जो टेररिज्म इफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ सिक्योरिटी कहाँ है? मैं ये दावा, ये सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, माननीय गवर्नर साहब से, जो हमारे वहाँ पे DIG है, IG है, जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हमारे समाज को वहाँ पे कैदियों की तरह रोक रखा है, क्योंकि अब परिस्थिति वही आ चुकी है। सुबह मेरे पास एक और वहाँ से PM पैकेज का जो एक प्रेस नोट भी आया है, 125 परिवार ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं। ये वाकई में वही गुलशन जी, मेरे को आज 90 दोबारा याद आ रहा है, 90 में हम कैसे निकले हैं वहां से, हम आज वही रिपीट हो रहा है। ये कश्मीर फाइल पार्ट 2 रिलीज हो रहा है। हंड साहब, इलाकाई देहाती बैंक का ये बैंक का ये मैनेजर था। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त मैं पहली का आंकड़ा बताऊं, 2016 से 21 जो 22 तक था, 22 आने से पहली तक 35 आदमी मारे थे, यानी कि जो इनोसेंट किलिंग थी। अब 2022 स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो 17 लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा जो है ये सरकार क्यों नहीं जारी कर रही? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये क्या आंकड़े दिखाएंगे। आप बताइए, कोई आज तक आपने देखा है कि कोई फेलियर, ये अपने अचीवमेंट्स की दुहाई दे देंगे, सबका साथ सबका विकास की बातें करेंगे, वहां पे तो सर्वनाश हो रहा है। आज कश्मीरी पंडित वहां पे लाल चौक से लेके, वसू से लेके बारामूला तक सड़कों पे बैठ के एक ही नारा लगा रहे हैं, हम खंडित हैं, हम कश्मीरी पंडित हैं, हम पीड़ित हैं, हम कश्मीरी पंडित हैं। इनकी तब भी आंखें नहीं खुल रही है। अब बताइए, कल अमित शाह जी का, कल एक फ्लैश आया था रिपब्लिक TV पे कि अमित शाह जी ने एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। क्या हुआ उस मीटिंग में? 18-19 दिन के बाद उनकी नींद खुल गई है। आज ये जाके इलेक्शन के लिए रैलियां कर रहे हैं वहाँ पे, केजरीवाल से ये लोग बहसबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अभी गुजरात में है और आपके हिमाचल में इलेक्शन है। ये तो वहाँ पे बिजी है, ये तो पावर क्रेजी सरकार है। आज ये एक्सपोज हो चुकी है देश के सामने, सब प्रमाण सामने है। हाँ साहब, लेकिन जो कश्मीरी हिंदू जो लोग हैं, कहना कि जिस तरह से टारगेट जो किया जा रहा है, और खीर भवानी की जो यात्रा थी वो भी उसको स्थगित कर दिया गया। अब ये बोला गया कि नहीं होगी, अमरनाथ यात्रा भी आगे शुरू होने वाली है। क्या लग क्या रहा है कि जो हमारे इस वक्त उपराज्यपाल है ये विफल होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो एजेंसीज है उनका क्या काम क्या है, लोगों की जान बचाना या लोग जब मर जाए उसके बाद अफसोस करने आना? मैं गुलशन जी, कल भी आपके एक डिबेट में यही चीज़ बोला है, ये बड़ी मतलब पीड़ा की बात है कि हमारे गवर्नर साहब आजकल लोगों की जान बचाने के बलाए उन परिवारों में जा रहे हैं जिनका कोई ना कोई सगा संबंधी इन मिलिटेंटों के साथ में सड़कों पे, बैंकों में, तहसील ऑफिस में मारा जाता है। इससे बड़ी फेलियर क्या दिखाएगा? अब आप बताइए, वहाँ पे जो BJP के अध्यक्ष है रविंदर रैना जी, जब भी कोई किलिंग होती है उनका एक ही बयान आता है कि पाकिस्तान के दरिंदे। अरे ये दरिंदे तो लोकल हैं, पाकिस्तान से पिस्टल लेके आए हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके, आपको शर्म क्यों आती बोलने में कि ये लोकल हैं? इनको वहाँ पे, मुझे बताइए, वहाँ पे इनको शरण कौन देता है? ये रहते कहाँ हैं?
इनको वहां पे जाके ये पूरी वहां पे पहले रेकी करते हैं, फिर जाके 5 मिनट शूट करके बाद गायब हो जाते हैं। क्या जमीन खा जाती है इनको, क्या आसमान खा जाता है इनको, बताइए। जब तक इनको वहां पे हरदा, 5 अगस्त, लोकल सपोर्ट नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने बोला था 370 एब्रोवेशन खत्म हो चुका है, यहाँ पर जो सब कुछ है वो बदल चुका है, नया जम्मू कश्मीर है और नई जो है यहाँ पर कानून लागू किए जाएंगे। कौन से कानून लागू हुए? लगभग देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद अभी तक जो है कितने लोग मर चुके हैं, कितनों ने अपनी जान गंवा दी है। पीएम पैकेज में मात्र 22,000 सैलरी मिल रही है, ना पेंशन है ना रिटायरमेंट है। अपनी जान जोखिम में डाल के जो लोग हैं वहां नौकरी कर रहे हैं अपने माँ बाप की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, क्या सरकार उनको सिक्योरिटी तक प्रोवाइड नहीं करा सकती है? गुलशन जी, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि इनके पास में ना कोई इनको पॉलिसी पैरालिसिस हो गया वहाँ पे। कश्मीरी पंडित वहाँ पे खाली बंदूक से नहीं मारा जा रहा है, कश्मीरी पंडित के साथ में वहाँ पे पेन और गन। जैसे कल मैंने एक इंटरव्यू में एक वहाँ पे जो हमारे पीएम पैकेज के वहाँ पे एम्प्लॉई है उनसे जब इंटरव्यू हुआ, उन्होंने भी यही बोला, ना कोई इनको प्रमोशन है, ना कोई इनको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर है, ना इनके कोई 8 साल में जब से बीजेपी सरकार आई है। ये मुझे एक जगह बता दें आज जो भी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए बना, चाहे अब जगती से शुरू हो जाइए, जगती बनी है ये कांग्रेस रूल में बनी है। जब हम कश्मीर से पलायन हुए उसके बाद जो रिलीफ या राशन जो कुछ भी कश्मीरी कुछ नीडी लोगों को मिल रहा है वो भी कांग्रेस की देन है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ लेकिन मैं इनका जरा शीशा इनको दिखाना चाहता हूँ। जगती में जो कैंप बने हैं या जो भी कैंप बने हैं या जो भी वहाँ पे शेखपुरा में जो भी कैंप बने हैं, ये बीजेपी सरकार में नहीं बने 8 साल में। तो मुझे याद है जब राजनाथ सिंह जी हमारे देश के गृह मंत्री थे उस टाइम पे वहाँ पे उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, आप गूगल करके देख लीजिए कि आप एक लाइन आइडेंटिफाई कर लीजिए जहाँ पे हम इनको एक ही बार एक ही जगह पे वहाँ पे इनको बसाएं। आज तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो पाया। आज वहाँ पे बताइए 5,000 पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज है जिसमें खाली 1,200 लोग, वो भी एक कमरे में पांच पांच फैमिली रह रही है, बाकी 4,500 एम्प्लॉयज तो किराए के मकानों में रह रहे हैं। वहाँ पे क्या सिक्योरिटी देंगे उनको, क्या वो घर से दफ्तर नहीं जाएंगे? पूरे देश में पीठ थपथपा रहे हैं। 8 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को राज करते हुए, यानी कि मोदी जी को राज करते हुए, यहाँ बहुत अच्छी जो सरकार है वो चला जा रही है। जम्मू कश्मीर का जो आईना है, जो आईना ये लोग देखना नहीं चाहते, ये क्यों नहीं दिखा रहे? नेशनल चैनल पर जो है कुछ लोग, भी बोलूंगा कविंदर गुप्ता जैसे जो मंत्री रह चुके हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 6 तारीख तक जो है इनको सेटलमेंट कर दिया जाएगा। क्या 6 तारीख को इनको सेटलमेंट कहां आर्मी के हवाले किया जाएगा ताकि लोगों की जान बचाई जाए? मैं वही चीज तो बता रहा हूँ ना, इनके जो जुगल किशोर शर्मा जी है, जो आदमी पार्लियामेंट में झूठ बोल सकता है कि मेट्रो आ चुकी है जम्मू में, इनके खोखले दावे यही लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे मोदी जी हैं वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, अमित शाह जी अच्छे काम भी कर रहे हैं देश में, इन्होंने कई चीजें की है, जैसे 370 हटाया, 35 हटाया, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि जो वहाँ के बीजेपी के लोग बैठे हैं उनको ना वहाँ के लोगों की चिंता है, वो अपने घर भरने में लगे हुए हैं, और वही लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बीजेपी को खासकर यहाँ पे मिसलीड कर रहे हैं, उनके पास में हांड कोई साहब, पॉलिसी नहीं हांड है। साहब, हांड साहब, एक चीज सुनिए मेरी। कल पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नारे लगा रहे थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर के नारे लगा रहे थे। अगर कोई दुखी होगा, देखिए सबसे ज्यादा वोट बैंक कौन था? कश्मीरी हिंदू ने वोट डाला है भारतीय जनता पार्टी को। आज जब ये मुसीबत में है, ये जनता दरबार लगा के जम्मू में बैठे हुए हैं, जम्मू में जनता दरबार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, ये जनता दरबार कश्मीर में क्यों नहीं लग रहा? जिनको परेशानी है वहां पे जनता दरबार लगना चाहिए ना। मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना, इनका जनता दरबार लगता है जब कोविड का टाइम था, आप देखे होंगे हमारे अशोक कुल साहब कश्मीर में मास्क बांट रहे थे, सैनिटाइजर बांट रहे थे, फोटो खिंच रहे थे, सेल्फी खिंचा रहे थे, पीछे पीछे सुरेंद्र अंबरदार जी वहां से, पीछे पीछे अजय भारती जी वहां से। ये अपीजमेंट पॉलिसी पे लगे हुए हैं। पहली बात तो हम इनको लीडर अपना नहीं मानते हैं, ये पैराशूट से बनाए गए हैं लोग, ये सिलेक्टेड नहीं, ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड लोग है। और पहली बात तो मैं इनको एज ए कश्मीरी समाज एज ए एक्टिविस्ट बोल रहा हूँ, मुझे 32 साल हो गए, आपको पता है मैंने 90 से लेके 32 साल अपने समाज की सेवा में दिए और आज भी आगे भी देता रहूंगा। इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई एग्रीकल्चर से रिटायर हुआ है? आप ले लीजिए अजय भारती आज भी पेंशन ले रहा होगा, आज सुरेंद्र अंबरदार पेंशन ले रहा होगा, इनको क्या फिक्र है? इन्होंने अपने घर भर लिए, इन्होंने अपने जो पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे जो बॉन्ड देके गए हैं, मैंने अभी वो एक आरटीआई कल भी लगाई है जिसमें मेरे पास में कुछ इविडेंशियल प्रूफ्स हैं कि ये जो लोग हैं ये पता अपने आप इन्वेस्टिगेशन से चलेगा कि किसके इन्फ्लुएंस से इनको डेपुटेशन पे वहाँ पे ट्रांसफर किया गया, इसलिए इनको दर्द नहीं हो रहा।
कल आप बताइए, जब हमने एज ए कश्मीरी पंडित, हमारे कुछ संस्थाएं जो खीर भवानी को चलाती हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक सर्कुलर निकाला था कि हम लोग वहां पे जाएंगे, मेला खीर भवानी जो सबसे बड़ा हमारा त्योहार होता है वहां जो 8 तारीख को पे मेला लगने वाला था। 8 तारीख को, तो समाज ने आज भी जगती से एक सर्कुलर आया है, कल भी आया है, परसों भी आया है, जब समाज ने एक यूनानिमसली एक डिसीजन लिया है इन सपोर्ट ऑफ पीएम पैकेज, और दूसरा कि गवर्नमेंट को हम परेशान ना करें इस टाइम पे, हालात वहाँ पे ठीक नहीं है, हम गवर्नमेंट को कॉपरेट करना चाहते हैं। यही लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। कल अजय भारती का स्टेटमेंट क्या आया, बोलता जी हम डिवाइडेड है, और उसी स्टेटमेंट में दूसरा जिसको हम नेता नहीं मानते हैं, जो पन्नू कश्मीर का झंडा लेके बैठा था 32 साल, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर होके, मुझे नहीं पता जितेंद्र सिंह के उसने जूते पॉलिश किए हैं किसके किए हैं, अपने आप को वो सेल्फ स्टाइल बीजेपी का नेता बोलता है, उसी इंटरव्यू में उसने ये बोला, कंट्रडिक्ट किया कि जो अजय भारती ने बोला। एक ही बीजेपी के दफ्तर से दो आवाजें निकली है, एक आवाज थी अजय भारती की और दूसरी आवाज थी अश्विनी तरंगू की। आप देख लीजिए डेली एक्सेलसियर क्या बोला इन लोगों ने आपस में। यही लोग जो पीएसओ लेके कश्मीर में घूमते हैं, जो सरकारी अकोमोडेशन में वहां पे फ्री के रोगन जोश गोश्ताबा और रिश्ता खाते हैं, ये लोग जब हमें ज्ञान दे रहे हैं कि 90 से हमारा वहां पे मेला लगता है, हम क्यों ना जाए वहां पे। भैया आप जाइए ना, आप पीओसी के पीएसओ के बगैर जाइए, जो लोग ये दावे ठोक रहे हैं मीडिया में सामने आके, मिसगाइड कर रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या दूंगा कि यही लोग है जो वहां पे बोल रहे हैं बीजेपी को कि सब हालात ठीक है, ऑल इज वेल इन कश्मीर। क्या लग क्या रहा है सर, बोलने से होगा या इनको जाना पड़ेगा वो भी बिना पीएसओ के? जाना चाहिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर ये लीडर बोलते हैं अपने आप को, लीडर क्या, लीडर का मीनिंग क्या है, लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो इनको जाना चाहिए, खुद दिखाना चाहिए खड़ा होके, इनको जाना चाहिए वहां पे विदाउट पीएसओस, वीडियो बनाना चाहिए जो ये वीडियो सर्कुलेट करते हैं, टीवी चैनल्स को बुलाना चाहिए और बताना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारे लीडर हैं। हाँ, इन्होंने करके दिखाया है, ये बिना पीएसओ के जा रहे हैं वहां पे, ये समाज के साथ में जाएंगे वहां पे सरकारी अकोमोडेशन में, जबकि आज की डेट में वहां पे यूटी सरकार है, ये पावर में नहीं है। मुझे बताइए ये सरकारी अकोमोडेशन में कैसे रहते हैं वहां पे, इनको पीएसओ आपके पास के दिए गए। हाडू साहब, आपके पास एक लेटर भी आई है जिसमें जिन्होंने ये किया है आज कांड, उन्होंने एक अपनी जिम्मेवारी भी ले ली है, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो लेटर आया है, उन्होंने कलर कट धमकी दी है कि जो आज ये हमने किलिंग करी है, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, अभी मेरे पास अभी अभी वो लेटर आया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, टीआरएफ में इसमें नाम भी लिखा हुआ है, दोबारा धमकी दी गई है कि एक हमने आपको एक और वार्निंग दी है कि हम आपका एजेंडा यहाँ पे नहीं चलने देंगे, आप कश्मीर छोड़ दीजिए, कश्मीर को साफ कीजिए। क्या कर रही है सिक्योरिटी एजेंसी, ये बताइए। और इसमें एक चीज और बोली हाडू साहब, इसमें एक चीज और बोली उसने, उसने ये बोला जो डोमिसाइल पर कश्मीर में आएगा उसको कहीं ना कहीं नहीं रहने दिया जाएगा। मैं पढ़ के बताता हूँ, इसमें लिखा है इन वी अवर्स अवर क्रेड कैरियड आउट एन इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन इन अरह कुलगाम इन विच नॉन लोकल बैंक मैनेजर विजय कुमार होल्डिंग ए डोमिसाइल वॉज एलिमिनेटेड, एनीवन इन्वॉल्वड इन द डेमोग्राफिक चेंज ऑफ कश्मीर विल मीट द सेम फेट, so it is an eye opener for all those non locals who are living in fool's paradise that the modi led government will settle them here, it is nothing but an illusion for them and they should now understand the reality that it will cost them their lives, think it is not too late, otherwise next turn will be yours, spokesperson Wasim Mir KFF। अब ये सुबह सुबह एक लेटर और आ गया किलिंग के बाद, अब बताइए सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही है वहाँ पे, मजाक बना रखा है। एजेंसी को बोल रही है हम लगातार जो आतंकी है उनको मार रहे हैं। देखिए मारना अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई जो आदमी है जो पीएम पैकेज में है या नॉन रहने वाला यहाँ का नहीं है, कोई भी ना मरे, क्योंकि सबकी जो जान है वो एक बराबर है, जान बचाई जान से। गुलशन जी वही चीज बता रहा हूँ ना मैं कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है तो क्या है, बताइए। अभी एक जो वीडियो आया है कि एक आदमी पहले बैंक के अंदर जाके रेकी करता है, उसके बाद आके पॉइंट ब्लैंक रेंज पे बैंक मैनेजर को शूट करता है, तहसील ऑफिस में जाके राहुल भट्ट को शूट किया गया। अब बताइए कि ये जो कल इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कि हम इनको 6 तारीख तक पोस्टिंग जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे करेंगे, क्या सिक्योरिटी है वहाँ पे, क्या गारंटी है वहाँ पे, जब आज इन्होंने सॉफ्ट टारगेट वहां पे नॉन कश्मीरी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, टारगेट बना रखा है, वार्निंग लेटर्स इशू कर रहे हैं। 90 में भी ऐसे पोस्टर निकले थे हमारे, आज की डेट में सर्कुलेट हो रहे हैं क्योंकि आजकल मीडिया है, तब हमारे दरवाजों पे लगे थे, तब मस्जिदों से बोला जाता था, फर्क क्या है?
फर्क उतना ही है। तब सोशल मीडिया नहीं यानी था, कि हालात सेम तब ही है, मशीनों का हालात यूज वही किया है। जा रहा था, लाउडस्पीकर का यूज किया जा रहा था, सड़कों पे निकलते थे, आज इंडायरेक्टली वही हो रहा है। हालात वही है, हालात वही है, उससे भी बदतर हालात है। तब तो लेकिन हम किसी यहाँ से पर बिना कुछ बोले भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर कर भुक्कार डिक्लेरेशन को जो है वो इल्जाम दे रहे हैं कि इनका किया गया थरा है। ये क्या लग क्या रहा है आपको? अब आप ये गुपकार को बोल दीजिए, देखो जब आदमी फेल होता है तो वो तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, उसने कुछ ना कुछ बोलना है, क्या बोलेगा आप बताइए। जब फेल हो रहे हैं, सारा सोशल मीडिया पे एक्सपोज हो रहे हैं, सब कुछ सामने दिख रहा है, रोज एक ना एक सुबह दुखद समाचार आ रहा है, वहां पे इनके दावे खोखले निकल रहे हैं, ये गुपकार को ब्लेम देते रहेंगे। अभी कल फारूक अब्दुल्ला ने बोला सारे मरेंगे वहां पे, उनका भी एक स्टेटमेंट कल आया वहां पे, महबूबा एक स्टेटमेंट दे रही है। आप देख लिए जम्मू के लोग डोमोसाइल को लेके नाराज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी का इन्होंने वहां पे तोड़फोड़ कर दी, बंटवारा कर दिया। हमारे रविंदर रैना जी सुबह शाम एक ही गुण गाते रहते हैं, कितने आदमी थे वो उन्होंने गब्बर सिंह का शायद शोले का डायलॉग रिपीट करते हैं, हर हर किलिंग के बाद में उनका एक ही स्टेटमेंट होता है, चुन चुन के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के कातिल, पाकिस्तान के टेरर। अरे दुनिया को पता है टेररिज्म पाकिस्तान से आया है, बट आकार से हर हमारे साहब कश्मीर एक में। एक एक डायलॉग और था इनका, हमारा एक सर जाएगा तो हम 10 सर लेके आएंगे। अब 10 तो मिले नहीं इनको, लेकिन हमारे जो रोज के रोज लोग जो हैं, जो हिंदू लोग हैं, जेली टारगेट किया जा रहा है। अब होगा क्या, अगला क्या करेगी सरकार इस पर, क्योंकि यहाँ चुनिंदा देखो सरकार तो कोई है नहीं। देखो इसमें इन लोगों को जब ये हम लोगों का जब एज यूनानिमसली कश्मीरी पंडितों ने 1991 में 92 में एक मार्गदर्शन रेजोल्यूशन पास किया था, जिसको आउटराइटली बीजेपी ने रिजेक्ट किया, ये आज तक जेनोसाइड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है। इनके पास में लेकिन हमने एक डायरेक्टर बिल डायरेक्टर साहब जो है, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई, वो तो बोल रहे हैं जेनोसाइड है। मैंने 25 लाख रुपए दिया यूनिवर्सिटी के लिए, मैं कश्मीरी जो फैमिलीज है उनको फंडिंग कर रहा हूँ। ये उनकी उनकी मेरे पास एक ऑडियो आई हुई है, वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ मिला इनको? नहीं, आपने खुद ही इंटरव्यू किया है वहां पे जगती में लाइब्रेरियन को, वो बोलता है जी हम तो जानते नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, जब तक मैंने आपको वीडियो शेयर नहीं किया कि उन्होंने जगती में 1 रुपया आज तक दिया हो। वो क्या दावे कर रहे हैं, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कश्मीरी फाइल्स के बाद में यासिर मलिक को सजा मिल गई, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि जब मैं और रमेश टिक्कू सतीश टिक्कू के लिए 32 साल से लड़ रहे हैं, 2006 में जब बिटकराटे को छोड़ा गया था तब भी हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, हमने आज तक के माध्यम से उस टाइम पे ये इशू उठाया था, क्यों अंधी हो गई है सरकार कश्मीरी पंडितों के कातलों को रिहा। मेरे उसके पास में आज भी मेरे पास में उसके स्क्रीनशॉट्स है, मेरे पास में सब कुछ सेव है आज की डेट में। उसके बाद में जनवरी 7 जनवरी 2021 को हमने दोबारा मिस्टर बेंस के थ्रू में ये दोबारा याचिका लगाई है कोर्ट में कि इसको फांसी दी जाए, ये कश्मीरी पंडितों का कातिल है। तो ये पिक्चर तो अभी आई है, तो वो क्या दावा ठोक रहा है, वो तो सतीश टिक्कू का कोई केस ही नहीं लड़ रहा था, ये खोखले दावे हैं, वो तो ये भी 32 साल के इंडस्ट्री बाद का दोबारा जब प्रोपेगेंडा है। केस खुला, जब वकील जम्मू पहुंचे थे कश्मीर में, तो उनको तो एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। तो ये डायरेक्टर क्या झूठ बोल रहे हैं भाई, हमारी पिक्चर बनाने के बाद ये काम हुआ? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं इस चीज का तो प्रमाण हूँ। 7 जनवरी 2021 को मेरे पास कॉपी है जो हमने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करी है मिस्टर बेंस के थ्रू। अब बताइए पिछले पिछले महीने तारीख थी, वकील ने मना कर दिया वहां जाने से, ये वहां स्वीकृति आज आप बताइए ना, जो किलिंग हो रही है उसको वहां स्वीकृति सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उसको वहां पे एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ गया। इससे बड़े प्रमाण कितने दूं मैं आपको इनके फेलियर के जम्मू कश्मीर में। आप तो खुद मीडिया से जुड़े हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको पता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है, यही लोग हैं जो गलत फीडबैक भेज रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, यही लोग हैं जो मिसलीड कर रहे हैं। अब आप बताइए अजय भारती क्या बोलना चाहते थे कल, कि मतलब वो कम्युनिटी के अलग चलना चाहते हैं, वो अपने आप को बीजेपी के नेता मान बोल रहे हैं, वो तो एमएलसी रहे हैं, पैराशूट एमएलसी रहे हैं, वो कल बयान अब दे रहे क्या हैं लगता है, इस कश्मीर बार क्या होगा अजय के भारती को? पंडितों में क्या डिवाइड हो गए वोट हैं, बैंक जब कौन मांगने कितने बड़े जाएंगे, डिवाइड है क्या वोट मिलेगा इनको? इनको, घर मैं बोल रहा पड़ोसी वोट नहीं डालेंगे जी, जानता कौन है इनको, ये तो एग्रीकल्चर असिस्टेंट थे नागपुर में, पता नहीं क्या है, राम माधव उस टाइम पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बाद में जिनको हटाया गया, उन्होंने क्या किया, वही है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को उस टाइम मिसगाइड किया कि यहाँ पे पीडीपी के साथ सरकार बनाओ, 3 साल के बाद इनकी आंखें खुल गई, वही लोग हैं जो पैराशूट करके 2 MLC लेके आए, ये दोनों एग्रीकल्चर असिस्टेंट थे, जानता कौन था इनको इनसे पहले, हाँ, जब आज इनके स्टेट पास स्टेट प्रॉपर्टी थी है, तब आज इनके पास गाड़ियां हैं, आज एमएलसी इनके पास PSOs हैं, आज ये गवर्नमेंट के बेनिफिट ले रहे हैं, बताइए वो आए कौन, इनकी एग्जिस्टेंस और एक्सेप्टेबिलिटी क्या है समाज में। थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हांडू साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद गुलशन जी। देखिए, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए राकेश हांडू जी, सामाजिक कार्यकर्ता। लगातार जिस तरह से कश्मीर में जो किलिंग्स हो रही है,
उनके ऊपर बातचीत करते रहते हैं हमारे साथ। और आज जो वाकया नजर आया उसके बाद हालात कितने सही हैं कितने गलत है, ये आप सब लोग देखते हैं। हालात अभी भी वैसे ही नासूर बने हुए हैं, और रोज के रोज जो एक व्यक्ति है उसकी जो जान है वो जा रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।